फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू सोनी आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे एक आल से या घिया जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में, बॉटल गोट जिसे बोलते हैं, उसे एक बहुत ही टेस्टी चीज बनाना, एक बहुत ही मसालेदार सब्जी बनाना हम लोग आज सीखेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलो हम लोग देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ओके, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय रेसिपी एंड कमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। एकदम मसालेदार सब्जी की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पाव आल ले ली है, आप जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और इस आल को मैंने अच्छे से धो लिया है, छील लिया, और इस तरह से इसके इस बड़े बड़े पीस जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। और मुझे मैंने दो टोमेटो लिए हैं, इन्हें भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, इन्हें भी मुझे ग्राइंड करना है। इसीलिए मैंने एक हरी मिर्ची ली है, मैंने दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं, और 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। ये मेरे पास हरा धनिया है, और ये मेरे पास जो है वो जीरा है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये सौंफ भी ड्राई रोस्ट करी हुई है, ये काली मिर्ची है ये भी ड्राई रोस्ट करी हुई है, इन सभी को मैंने दरदरा कूट लिया है। ये जो है वो गर्म मसाला है, ये मूंगफली के दाने, करीबन मैंने एक मुट्ठी मूंगफली के दाने लिए हैं, और ये है हमारे पास हींग। और इसके लिए हमें नमक चाहिएगा, ये हरा धनिया है पिसा हुआ पाउडर, ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये हमारे पास हल्दी पाउडर है, और ये हमें जीरा है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें जो हमारे पास ये हरी मिर्ची है वो भी हम इसमें डाल देंगे, जो कटे हुए हमारे पास टोमेटोज है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। मीन्स हमें जो लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, इन सभी को एक साथ हमें ग्राइंड कर लेना है, और जो मूंगफली का दाना है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, और ये लहसुन हमने डाल दिया है, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब मिक्स कर दिया है, और जो मूंगफली के दाने हैं हमारे पास वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इन सबको हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा करना है, मीन्स बिल्कुल बारीक भी हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, मीन्स जो बीच का होता है ना, ज्यादा मोटा हमें रखना है ना ज्यादा। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी से बताती हूँ इसमें पूरी तरह से ग्राइंड कर करके। इसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए ताकि सभी मसाले में जो है वो अच्छे से जो नमक है वो मिक्स हो जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो ये मसाला इस तरह से पीस लिया है, ज्यादा बारीक भी नहीं है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, हमने इसको बीज की कंसिस्टेंसी का रखा है। अब मैंने प्रेशर कुकर में जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, मैंने करीबन ये वाला चम्मच भर के जो है वो ऑयल लिया है, या अगर आप टेबल स्पून से ले रहे हो तो आप 5 टेबल स्पून तेल जो है वो ले लीजिए। तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो आप गैस को सिम कर दीजिए। अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, मैं गैस को सिम कर दूंगी। सबसे पहले हमने इसमें जीरा डाला है, ये देखिए जीरा हमारा ऊपर उठ के आ चुका है। अब मैं इसमें हींग पाउडर, जो हींग हमने ली थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब जो हमने सौंफ लिया था सिका हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नाउ जो काली मिर्ची हमारे पास कुटी हुई वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े दिन, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इस मसाले को अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने करीबन 1/4 चम्मच जो है हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है, और इसे मैंने अच्छे से हिला लिया है। अब जो ये हमारे पास मसाला बना हुआ रेडी है, इसे हम इस पर मिक्स कर देंगे। ये इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस हमारा सिम है, अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमारे मसाले ऐड करेंगे। रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून जो है, या 1.5 टेबल स्पून आप उसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक ऐड करेंगे, नमक आप देख के डालिएगा क्योंकि नमक हमने पहले मसाले में भी ऐड किया है, तो हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से हम लोग पकने देंगे, 2 मिनट के लिए, और थोड़ी सी गैस को जो है हम लोग को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब जो हमारे पास कटी हुई घिया है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, और जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती है उसमें से आधा हम अभी इसी स्टेज पे इसमें डाल देंगे। इससे जो धनिया की खुशबू है वो सब्जी पकते वक्त भी उसमें बहुत अच्छे से, इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है, और बिल्कुल इसको गैस पे सिम करके इसकी 2 सीटी ले लेनी है, और हमारी गर्मा गर्म सब्जी जो है वो
तैयार हो जाएगी। कुकर की सीटी आ चुकी है, अब हम लोग कुकर खोल कर देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी जो हमारी सब्जी है बहुत ही अच्छे से सीख चुकी है और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, और मैं आपको इसे बाउल में लेकर के बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो घी है वो बहुत ही टेस्टी लग रही है और बहुत ही मसालेदार सब्जी है। अब बस लास्ट स्टेप पे थोड़ा सा जो सीखा हुआ जीरा था वो मैं इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर दूंगी, और जो थोड़ी सी हरा धनिया पत्ती है उसे मैं इस तरह से इस पर गार्निश कर दूंगी। ये एकदम फर्स्ट क्लास हमारी सब्जी रेडी है। प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।